हेलो एवरीवन। तो क्या है जज बनने के फायदे? आज राजस्थान में जुडिशरी कैसे क्लियर हो और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे आप लोगों के लिए, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें आज का सेशन कि क्या है फायदे और किस तरह बनेंगे आप लोग जजेस। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली राजस्थान के रिस्पेक्ट में, कि राजस्थान में ऐसे कौन सी पर्क्स फैसिलिटीज अवेलेबल है जो आपको एक प्रोत्साहन देती है, एक मोटिवेशन देती है कि क्यों हमें आरजेएस ही सिलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें कि ये जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका आप बेनिफिट भी उठा सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैसिलिटीज जो हमें मिलती है, और फैसिलिटी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले फैसिलिटी एक स्टार्ट होती है सैलरी से। सैलरी अगर देखा जाए तो पे स्केल इसका 77,840 रुपीज है, और ये हमें जो सैलरी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है आफ्टर सेकेंड एनजेपीसी, यानी सेकेंड नेशनल पे जुडिशरी पे कमीशन, उसके बाद में ये लागू होने के बाद में राजस्थान में। और एक और अमेजिंग चीज जो है वो ये है कि राजस्थान में कई नए डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं जिसके लिए नए कोर्ट्स बनाए जाएंगे, नए कोर्ट्स आएंगे। तो जो अभी एग्जिस्टिंग वैकेंसीज जिनका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, जो वैकेंसीज अभी तक बता दी हैं उनके अलावा एडिशन में और वैकेंसीज हो सकती हैं। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अब वैकेंसी आएंगी तो वो काफी ह्यूज नंबर की वैकेंसीज होंगी। फिर पे स्केल के साथ में आता है आपका डीए, जो कि है 42%, 32,000 आएगा। समश्री अलाउंसेस 1,500, मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपीज, ग्रॉस सैलरी इस तरह से सबको मिला के 1,13,000 एंड 33,000 हो रहा है। ये जो समश्री अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस, डीए वगैरह, ये सब आपको मंथली दिए जाते हैं, और इसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है 1,13,000। और अगर नेट देखा जाए, यानी टैक्स वगैरह रिड्यूस करने के बाद में, पीएफ वगैरह भी जाता है, ये सब हटाने के बाद में जब आपकी सैलरी देखी जाएगी तो आपको इन हैंड 91,372,000 अवेलेबल होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा फैसिलिटी में आता है वो है सबसे पहली चीज पेंशन। तो पेंशन यहाँ पे अगर आप राजस्थान में एक सिविल जज बनते हैं तो पेंशन आपको अवेलेबल होगी 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो अभी जो हम 1,13,000 डिस्कस कर रहे थे, ये एंट्री लेवल पे जब आप सिविल जज बनते हैं, जज बन के आरजेएस का सिलेक्शन जब हो जाता है फिर आप जज बनेंगे, तब आपको 1,13,000 रुपए मिल रही होंगी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी किसकी होगी? जब आप रिटायर हो रहे होंगे उसकी। तो आपके पास में अभी काफी सारे प्रमोशंस भी होंगे, फिर आपका पे स्केल रेज भी होगा, तब जाके जब रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपकी सैलरी होगी उसका 50% एज अ पेंशन आपको दिया जाएगा। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको सरकार कहीं पे बंगला या आपको घर देने में वो उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रही है, आपको घर नहीं दे पाए हैं रहने के लिए जहां पे आपकी पोस्टिंग प्लेस है, तब आपको वहां पे हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, जिसके बेसिस पर आप अपना एक घर किराए पे लेके उसमें रह सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर के लिए, आपका ऑफिस सेटअप के लिए, आपकी बुक्स के लिए हर 5 साल में आपको 1,00,000 रुपए अवेलेबल करवाए जाते हैं सरकार द्वारा, ताकि आप अपनी बुक्स के, आप अपने फर्नीचर, मतलब इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रखें कि आपके काम में किसी तरीके की कोई बाधा ना आ सके। फिर लैपटॉप हर 5 साल में एक दिया जाता है। कार एंड पेट्रोल, अगर आपको आपके घर से दफ्तर तक ले जाने के लिए वैसे तो कार अवेलेबल रहती है, लेकिन इफ इन केस कार अवेलेबल अगर नहीं हो पाती है तो गवर्नमेंट आपको पेट्रोल अलाउंसेस देंगे, ताकि जितना खर्चा आपका उस ट्रैवलिंग में लगा था, जितना पेट्रोल आपका घर से ऑफिस तक जाने के लिए लगा था, वो एज अलाउंस पेट्रोल आपको अवेलेबल हो जाएगा। वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों बिल आपको अपने काम को मेंटेन करने के लिए, एक स्मूथ ऑपरेशन ऑफ वर्क के लिए, कोई भी तरीके की कोई बाधा ना आए, इसलिए ये बिल्स भी गवर्नमेंट ही पे करती है। तो ये थी हमारी फैसिलिटीज। अब ऐसा क्या काम करना होगा आपको कि आप ये फैसिलिटीज को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें, या आप एक सिविल जज बन सकें, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सिलेबस क्या होता है, आप किस तरह से उसे क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जुडिशरी गोल्ड अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है जयपुर में। अब हमारा ऑफलाइन सेंटर एक जयपुर में भी होगा, और जयपुर में ऑफलाइन बैच जो है वो 22 जनवरी से लॉन्च हो रहा है।
और इससे पहले 21 जनवरी को हम एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, जो कि होगा आरजीएस के पैटर्न के बेसिस पर। यानी जिस तरह से आपका आरजीएस का पेपर आता है, 70 नंबर का लॉ होता है, 30 नंबर के आपका लैंग्वेज के पेपर आते हैं, लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश, बिल्कुल उसी तरह से हम ये एक मॉक जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये होगा ऑफलाइन, ये मॉक भी ऑफलाइन होगा बापू नगर सेंटर पे, जो कि जयपुर का हमारा जुडिशरी कोर्ट का सेंटर होगा वहीं पर। तो फिर देर किस बात की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट आके दे सकते हैं। और अभी तक आपकी जो तैयारी थी उसका लेवल आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी तैयारी इस तरह अप्रोप्रिएट अभी तक हो चुकी है कि हम जो आरजीएस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम अपियर हो सकते हैं या नहीं। यहीं पे ही आपको पेपर टेस्ट करके और मॉक के रिजल्ट के भी आपको तुरंत ही दे दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आप आइए 21 जनवरी को मॉक टेस्ट के लिए, और 22 जनवरी से होगा बैच लॉन्च। तो फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली ये जो फैसिलिटीज, एमिनिटीज और इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी जो है वो अवेल करने के लिए आप जज बन कैसे सकते हैं। तो देखिए, स्टेजेस जो होते हैं आरजेएस एग्जाम के, वो 3 स्टेजेस में होता है ये एग्जाम। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन और फिर इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या, एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन ऑप्शन के बेसिस, उनमें से आपको जो बेस्ट एकदम नियरेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो आपको चूज करना है। देखिए, एमसीक्यूज जब भी होते हैं तो एक जो सही स्ट्रैटेजी होती है एक एमसीक्यू टिक करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप नियरेस्ट पॉसिबल 2 सवाल जो सवाल होगा उसके 2 आंसर आपको नियरेस्ट पॉसिबल आपको फील हो रहे होंगे, उसमें से भी जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आपको चूज करना होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है 100 नंबर का, जिसमें से 70% तो लॉ के सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी जो 15-15% है यानी 30 मार्क्स का वेटेज जो है आपका लैंग्वेज रखता है। लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस के टेस्ट होता है, और हिंदी और इंग्लिश इन सबका सिलेबस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेज हुआ आपका प्रिलिमिनरी, उसके बाद भी जो स्टेज आता है वो है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन होता है आपका 200 नंबर का तो लॉ का पेपर, यानी 100 मार्क्स ईच, और फिर 50-50 मार्क्स के हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप यहाँ पे देखें तो मेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो ये लॉ के सब्जेक्ट होते हैं उनमें जैसे सिविल और क्रिमिनल है, तो इन्हीं में ही जजमेंट राइटिंग भी इंक्लूडेड होता है, और यहाँ पे आपको जजमेंट राइटिंग का भी अलग से इन्होंने सिलेबस में, जब हम नीचे देखेंगे तो जजमेंट राइटिंग भी सिलेबस में इंक्लूडेड है लॉ सब्जेक्ट्स के अलावा, वो इन्हीं पेपर्स में इंक्लूडेड है। तो 80 मार्क्स का अगर लॉ आ रहा है सिविल, तो 20 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग, और 80 मार्क्स का अगर क्रिमिनल आ रहा है तो 20 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग। तो इस तरह से जजमेंट राइटिंग का भी वेटेज काफी है। और उसके बाद है हमारा हिंदी एंड इंग्लिश एसेज। यहाँ पे पिछली बार का अगर पेपर देखा जाए तो 3 एसेज पूछे गए हैं, एक एसे 25 नंबर का हिंदी और इंग्लिश में, और 2 एसेज 12.5-12.5 नंबर के पूछे गए थे। तो इस तरह से 3 एसेज पर लैंग्वेज। तो मेंस का ये जो ब्रेकडाउन हमने अभी देखा, उसके बेसिस पर एक चीज हम श्योरली कह सकते हैं कि सिर्फ लॉ के बैराक्स अगर आप पूरी तरह से समझ के या पढ़ के साइड में रख दें तो भी जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन सिर्फ उन बैराग्स के रटने के बेसिस पर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जजमेंट राइटिंग जो सिविल और क्रिमिनल का होता है वो प्लस आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है, जो आपके एसेज हैं, एसेज में कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए, उस पर अगर आपने वर्क नहीं किया तो हो सकता है कि आपका बैराग्स याद करने के बावजूद भी सिलेक्शन में कमी रह जाए। और फिर होता है हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 35 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में एक गुड न्यूज ये है कि राजस्थान में इंटरव्यू के लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स की कैपिंग होती है वो नहीं है। तो यहाँ पे 35 मार्क्स में से आपको टोटल लेके आने हैं, लेकिन अगर आपको मिनिमम नंबर भी मिलते हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं है कि इतना तो आपको लेके ही आना है। तो आप इस तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू, इसकी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब ये तैयारी करने के लिए ऐसा सिलेबस तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या जाएगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे जिनमें से ये क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे सिविल का पेपर। मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर्स हैं, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले
सिविल का पेपर, और ये जो सिविल और क्रिमिनल के पेपर हैं और जो हिंदी और इंग्लिश का अभी हम सिलेबस देखने वाले हैं, यही एग्जैक्ट सिलेबस आपका प्री का भी है। राजस्थान में प्री और मेंस के दो अलग सिलेबस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले आप सिविल का पेपर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राजस्थान रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक रिलीफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स एंड जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेकिंग एंड ब्रेकिंग में। अगर आपने यहाँ पे कमांड अपनी हासिल कर ली है, देखिए बैरक्स तो सब लोग रट के अपनी रख रहे हैं, लेकिन जो एज बनाता है वो आपका जजमेंट राइटिंग और आपका लैंग्वेज का पेपर होता है हमेशा। और ये सिविल पेपर में आप ये देख रहे होंगे कि एविडेंस एक्ट ये सिविल में क्यों डिस्कस की गई है, तो एविडेंस एक्ट के आपका डबल बेनिफिट्स हैं इस एक बैरक के यहाँ पे, क्योंकि ये आपको सिविल में एविडेंस एक्ट के सिविल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रिमिनल में क्रिमिनल रिलेटेड। तो एक ही एक्ट आपको दो तरीके से नंबर दे रही है, एक बार सिविल में भी और एक बार क्रिमिनल में भी। अब देखते हैं हमारा लॉ पेपर टू जो कि है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल हमारा शुरू होता है सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, पॉक्सो, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एंड अगेन जजमेंट राइटिंग। सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों जगह जजमेंट राइटिंग। एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, प्लीज डू नॉट स्किप जजमेंट राइटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन का। इसके बाद हम आते हैं हमारे लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज में जो हिंदी है, हिंदी में संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार जो है वहां पे तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, अर्थभेद, वाक्यांश, समश्रुत, भिन्नार्थक, समानार्थी, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। ये सब जनरली देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे प्रिय आपको प्री का क्वेश्चन आया, वहां पे हिंदी में आपने क्वेश्चन देखा, वहां पे आपको सही शब्द चुने, तो आप चारों शब्द अगर पढ़ रहे होंगे आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि हमें अभी बोलचाल में हम हिंदी इतनी शुद्ध नहीं बोलते हैं। लेकिन वहीं पे राजस्थान एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे आप देखेंगे तो लोअर कोर्ट्स का जितना भी कार्य किया जाता है, जितना भी काम होता है, वो सब हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी में आपकी कमांड अगर अच्छी होगी तो वो आपको ना ही सिर्फ ये पेपर क्लियर करने के लिए, लेकिन इन फ्यूचर जब आप जज बनेंगे तो आपका वर्कलोड जो है वो काफी कम वहीं पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी पे इतनी अच्छी कमांड होगी कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा उस समय। उसके बाद आ जाता है हमारा शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण की कोटियां, परिसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य और वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। ये प्रशासनिक और विधिक, विशेषतः प्रशासनिक और विधिक का मतलब जैसे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, हिंदी सिर्फ एक फ्लोरल या पोइट्री लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आपको ये हिंदी और इसके जो वर्ड्स हैं वो प्रिपेयर करने होंगे। तो ये प्री के लिए, और अगर आपने यहाँ पे अपने वर्ड्स के लिए, मुहावरों के लिए और शब्द रचना पर, शब्द ज्ञान पर अगर ध्यान दिया, तो यही चीज आपकी ऐसे राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगी जो कि आपका मेंस का पार्ट है। इसके बाद है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में टेंसेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये सब है आपके इंग्लिश के। अगेन जैसे देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसकी हिंदी वीक होती है, और अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है उसकी इंग्लिश वीक होती है, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि किसी ना किसी लैंग्वेज के बच्चे को एक एज मिला हुआ है उस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही मीडियम्स के बच्चों को बराबर इस चीज के ऊपर मेहनत करनी होगी, इंग्लिश वालों को हिंदी पे और हिंदी वालों को इंग्लिश पे। तो ये एज का सवाल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जजमेंट राइटिंग के वक्त, अब आप सिविल जज, आप एंट्री लेवल पे आएंगे, आपका प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज पे भी होगा, आप हाई कोर्ट पे भी जाएंगे, तो दोनों लैंग्वेजेस के कमांड एक जज के पास होना एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये आपको तैयार ही इस एग्जामिनेशन के थ्रू इस तरह कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जब प्रमोशन होते हैं तब आपको इसमें कोई भी किसी तरह की कोई ना तो डाउट रह जाए और ना ही आप अपने आप को कहीं किसी तरीके से कम आके। तो इसी के साथ हमारा जज बनने के फायदे, जज कैसे बना जाए,
बेसिकली इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के साथ में आपको किन किन पॉइंट्स पर मेनली ध्यान रखना है, और बिल्कुल ना भूलें कि 21 जनवरी को हम फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हमारे जयपुर सेंटर जो कि बापू नगर में है वहां पर। तो तब होगी आपसे मुलाकात, तब तक थैंक यू।